देश की हॉट लोकसभा सीटों में से एक रायबरेली की सीट है। लगातार सियासी तापमान यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। बात करें गृहमंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी लगातार जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ राजेंद्र शुक्ल साहब है, मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं और ये रायबरेली के भीतर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, धार दे रहे हैं बीजेपी की चुनाव प्रचार को। स्वागत है आपका न्यूज नेशन पे। पहला सवाल कि रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी के सामने रणनीति क्या है? रणनीति यही है कि लंबे समय तक सोनिया जी, राहुल जी यहाँ पर नेतृत्व करते रहे हैं और रायबरेली में जब हम घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि जितना काम यहाँ होना चाहिए था उतना काम हुआ नहीं। मैंने लोगों से बात किया तो लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पूरे देशव्यापी काम हुआ है, यदि नहरें रहीं तो उसमें पानी नहीं होता था, वो पानी पहुँचा। शानदार एक्सप्रेस हाईवे से पूरा इलाका कनेक्ट हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हुआ है। यदि इस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को हम हटा दें और यदि हम ये देखें कि इस क्षेत्र के लिए इतनी हाई प्रोफाइल सीट होने के बाद भी इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से चुन के जाते रहे, यहाँ पे जिस तरह की समृद्धि, जिस तरह की सफाई, जिस तरह का विकास चमक किसी इलाके में हम लोग आमतौर पर देखते हैं, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इसलिए लोगों के मन में इस बात का तो कष्ट देखने को मिलता है कि उतनी तेज़ी से तरक्की नहीं हुई, गरीबी समाप्त नहीं हुई, अमीरी जो दिखना चाहिए वो नहीं हुआ है। और दूसरी ओर मोदी जी ने जो काम किया है उसके प्रति लोगों का ये मानना है, मतलब जो यदि कट्टर से कट्टर कांग्रेसी भी होगा इस क्षेत्र में मैंने देखा, तो ये कहता है कि पूरे देश में तो मोदी को आना चाहिए और यहाँ पर चूंकि वो कट्टर कांग्रेसी है तो वो गांधी परिवार की बात करता है, लेकिन पूरे देश में मोदी को आना चाहिए ये भी कहता है। इसका मतलब ये है कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में जो वातावरण है उसका असर यहाँ भी है। लेकिन कल अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी यहाँ बहुत कम आती हैं, सोनिया गांधी ने विकास की वो लकीर नहीं खींची जो खींचनी चाहिए थी। जवाब में प्रियंका गांधी आई, उन्होंने अपने विकास की गाथा को बताया। उन्होंने कहा कि कुछ फैक्ट्री लगाया, हॉस्पिटल बनाया, इसके अलावा जो है सड़कों को दुरुस्त किया, तमाम आईआईटी की बात की, एम्स की बात वो लगातार करती हुई नजर आई थी, इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, जो भी फैक्ट्रीज उन्होंने उनके पहले के कार्यकाल में लगी है उसका ऑपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ जी। जैसे मैंने पूछा कि यहाँ पर सिंचाई की नहरों की क्या स्थिति है, तो लोगों ने बताया कि सिंचाई की नहरें जो पहले बनी उसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखने वाला यहाँ कोई नहीं था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सिंचाई में जो बहुत ही व्यापक काम हुआ उस वो काम इस इलाके में भी हुआ। स्वतंत्र देव सिंह जी, योगी जी के नेतृत्व में जल संसाधन मंत्री रहते हुए यहाँ पर सिंचाई की नहरों का बहुत तेज़ी के साथ उसमें पानी पहुँचाया। तो सिर्फ नहरें बना देने से काम थोड़ी चलेगा, उसमें पानी आ रहा कि नहीं आ रहा इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? यदि आपने यहाँ पर IIIT बनाया, HL बनाया, तो वो प्रॉपर यहाँ पर प्रोडक्शन में है कि नहीं है ये भी तो देखना पड़ेगा। वो देखने का काम यहाँ नहीं हुआ, इसलिए जो यहाँ पर तस्वीर बदलनी चाहिए थी वो बदल नहीं पाई। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि संविधान बदल देंगे, अगर आप 400 पार का आपका आंकड़ा अगर छू गया तो संविधान आप बदल देंगे, क्या कहेंगे? इस प्रकार की बातों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, खासतौर से राहुल जी जब बोलते हैं तो लोग उसको बहुत ही हल्के से इसलिए लेते हैं कि उनके बातों में न तो कोई आधार होता है न तर्क होता है। संविधान खतरे में नहीं है, न लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस जरूर खतरे में है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी इस बार नहीं है, किशोरीलाल शर्मा वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी को आप चैलेंज मानते हैं या किशोरीलाल शर्मा को आप चैलेंज मानते हैं, किसको देख रहे हैं, किसके सामने चुनौतियाँ ज़्यादा है? नहीं, अमेठी सीट तो पिछली बार जीतने के बाद बहुत व्यापक काम हुआ है वहाँ पर, और इसे स्मृति ईरानी जी इस बार फिर से जीत रही हैं। किशोरीलाल शर्मा जी तो एक तरह से डमी कैंडिडेट के रूप में उतार दिया, यदि वहाँ पर जीतने की संभावना होती तो राहुल जी वहीं से चुनाव लड़ते, वो रायबरेली आए हैं, इसका मतलब उनको कोई वहाँ पर संभावना दिख नहीं रही है जीतने की, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ना है तो किसी को लड़ाना है तो किशोरीलाल शर्मा जी को लड़ा दिया। किशोरीलाल शर्मा जी भी डिस्कनेक्ट रहे हैं अमेठी से, एक जमाना रहा होगा जब यहाँ पर वो काम देखते थे। प्रियंका गांधी कहते हैं कि 40 साल पुराना उनका नाता है, 40 साल पुराना नाता, उसमें कंटिन्यूटी कितनी है ये महत्वपूर्ण है। लगातार आप डे टू डे वहाँ पर जनता को उपलब्ध है कि नहीं है,
वहाँ की जो काम हुए हैं वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आजकल हम लोग सब समझते हैं कि मॉनिटरिंग की थोड़ी सी भी कमी होती है तो गिरावट शुरू हो जाती है उस उन कामों में जिन कामों को हमने जिस उद्देश्य से स्थापित किया है। यदि नहरें आपने बना दी तो पानी जा रहा है कि नहीं रहा ये देखना पड़ता है। यदि आपने कोई फैक्ट्री लगाई वो प्रोडक्शन में है उसमें पर्याप्त ऑपरेशन मेंटेनेंस के साथ वो फुल कैपेसिटी में चल रही है कि नहीं चल रही है ये भी देखना पड़ता है। डिप्टी सीएम साहब, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या समझते हैं? राम का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है या धारा 370 का मुद्दा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने 370 को हटा दिया, क्या सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं? देखिए ये सारे मुद्दे अपने आप में बहुत ही बड़े हैं, बहुत ऐतिहासिक हैं। ये वो उलझे हुए मामले थे जिसको सुलझाने का काम मोदी जी ने किया, जिनकी वजह से देश में मतलब एक तरह से दीमक की तरह देश खोखला हो रहा था। धारा 370 नहीं हटने से आतंकवाद, उसकी आड़ में आतंकवाद बढ़ रहा था। मंदिर के निर्माण न होने से लोगों की आस्था पर चोट पहुंच रही थी। धर्म और अध्यात्म हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यदि उसी पर चोट होगी तो कैसे हम दुनिया का नेतृत्व कर पाएंगे? दुनिया भी हमको हल्के से लेती थी कि ये सनातन और धर्म और अध्यात्म को मानने वाला ये देश राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर भी नहीं बना सका है, जो मुगलों ने तोड़ दिया था। राम का मुद्दा है मानते हैं इस चुनाव में? अपने आप में एक बहुत बड़ा है लोगों की, ये राजनीतिक मुद्दा भाजपा के लिए भले नहीं है लेकिन जनता के आस्था का विषय होने के कारण जनता इसमें बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है और उनको लगता है कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने अपनी आंखों से राम जन्मभूमि में भव्य भगवान के राम के मंदिर के निर्माण को पूरा होते हुए देखा है। तो धारा 370 और राम मंदिर ये देश के उलझे हुए मामले थे जो कोई सुलझा पाएगा इसकी कल्पना लोगों को नहीं थी, लेकिन सुलझना चाहिए ये इच्छा सबकी थी, जो मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व ने इस काम को किया। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ऐतिहासिक काम हुआ है, आज हम दुनिया के जो बहुत ही मजबूत आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था वाले देश हैं हम उनकी बराबरी में इसलिए पहुँच रहे हैं कि हमने बहुत तेज़ी के साथ रेलवे लाइन का विस्तार, हवाई अड्डों का विस्तार, फोर लेन की सड़कों का विस्तार जो तेज़ी से हुआ है उससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी तो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पर पहुंच गई, हम 3रे में पहुंचेंगे, फिर 1 नंबर में पहुंचेंगे। चलिए ये तो आप उपलब्धियां गिना रहे हैं लेकिन हम मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे हैं क्योंकि डिप्टी सीएम है वहाँ के, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आंकड़ा क्या रहेगा इस बार? 29 में 29 सीटें वहाँ पर आ रही हैं, पिछली बार 28 आई थी, एक सीट हम हारे थे मात्र 35,000 से। अब इतना ज़्यादा काम होने के बाद विधानसभा के परिणामों को आपने देखा ही है तो इसलिए वहाँ पर 29 में से 29 सीटें भाजपा जीतेगी। कमलनाथ के बेटे लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं, किस तरीके से इनको देखते हैं? पिछली बार भी चुनाव के मैदान में थे, दिग्विजय सिंह की तो हार ही गए थे और ये मात्र 35,000 से बचे थे। तो उस समय न तो धारा 370 हटी थी, न राम मंदिर बना था और ना जो काम मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से चले उन सब चीज़ों का असर इस चुनाव में देखने को हम सबको मिलेगा और इसलिए जो 35,000 का गैप था वो भी पूरा हो जाएगा। मुद्दा है मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपना, ये देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये सवाल, ये चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल नहीं है, ये भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का मौका है और इसलिए सारे लोग इस मामले में मोदी जी के हाथों को मजबूत करके अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में इस चुनाव को देख रहे हैं। आप रायबरेली के भीतर मौजूद हैं, अब तक 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 4 चरणों के, तो किस तरीके से आप अब तक अपना असेसमेंट आप लोग देखते हैं? आज 4थे चरण के चुनाव हो रहे हैं और आप देखिएगा कि NDA 400 पार और BJP 370 पार का जो हम लोगों का लक्ष्य है वो लक्ष्य ऐसे ही निर्धारित नहीं हुआ है, काम किया है। और 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने वो वोट ऑफ होप था, एक उम्मीद का वोट था। 19 में मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने वो परफॉर्मेंस का वोट था। 2024 में 400 पार होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के कारण जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि जनता बहुत जागरूक हो गई है, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकारें बनाने लगी है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्वगुरु के स्थान पर पहुँचते हुए देखना चाहती है। इसलिए जनता का समर्थन लगातार मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, उसका असर 2024 हमको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
पंडित राजेंद्र शुक्ला साहब थे जो डेप्यूटी सीएम है मध्य प्रदेश के, लगातार ये रायबरेली में अपनी रणनीति बना रहे हैं राहुल गांधी को हराने के लिए, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार धुआंधार रायबरेली और अमेठी के भीतर प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ एक्शन रायबरेली।